टाइम टेबल आप अपना बनाइए। इसी तरह बस आखिरी चंद पॉइंट, लैंग्वेज अच्छी इस्तेमाल कीजिए। एक अच्छे स्टूडेंट की अलामत ये है कि वो जो सीखता है वो चीज़, उसका एक एग्जाम्पल क्यों है, जो चीज़ ग्लास के अंदर होती है उसको जब फिल किया जाए तो वही बाहर गिरती है। लैंग्वेज अच्छी यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट होंगे और लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं होगी, जैसा जनरली मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोगों को बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या फिर इसके बाद ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज में जो स्लैंग होते हैं और जो अच्छे भी नहीं होते कभी कर, मतलब वो आम चलन में बोले जाते हैं लेकिन उनको हमेशा बोलना अच्छी बात नहीं माना जाता। और हमारे पास उर्दू में फिर भी थोड़ा सा लिमिट है, तो उर्दू में अगर कोई बुरा अल्फाज बोले तो लोग टोक कह रहे हैं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में तो लिमिटलेस चला गया मामला, और गाली देते रहे आप इंग्लिश के अंदर और आपको लग रहा कुछ इसमें मसला ही नहीं। ओ इसके बाद कल आपको मालूम चार अल्फाज वाला क्या बोलेंगे, SHIT, ऐसा कॉमन हो गया कि मतलब उसको उर्दू में बोलिए क्या बोलेंगे, उसी लफ्ज को उर्दू में बोलिए आप क्या बोलेंगे। आप क्या गंदी बात है यार, ऐसे मुंह से निकालते कैसे अल्फाज, लेकिन आप बोल रहे वो बोलेंगे अरे हग्गू, क्या हग्गू, यही हो रहा ना उसका। आप उर्दू में क्या बोलूंगा इससे हटकर, मैं क्या लफ्ज है उसके लिए, आप पसंद नहीं को बोले प्लीज अल्फाज ना, लेकिन इंग्लिश में बोले तो ट्रेंड, स्टाइल, स्वैग, ये वो ये तो इंग्लिश में है ना, मतलब उसने जो कपड़े पहना है वो इंग्लिश वाले है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ भी बोला जा सकता है। ये तो स्टार्ट थी सिर्फ, अभी यहां से तो चीजें पाइल अप होना शुरू हो रही है भैया, ये तो इब्तिदा है। अच्छा कोई भी नहीं बचा, लड़के तो बिंदास चल रहे, बिल्कुल कहीं भी शुरू हो जा रहे, लड़कियों का ऐसा है अपने ग्रुप में चालू उनके, वो लड़कों को सुने नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने अपना डिग्निटी ऑनर इतना बाकी रखा कि लड़कों ने नहीं सुनना अपन ऐसी बातें करते, तो उनका अपने ग्रुप्स में चालू है सिर्फ। आप लोगों का तो बिल्कुल कहीं भी खड़े खाली को बड़ा दिखना नहीं था, वो फिर तो चालू है ना ये ट्रेंड्स, लेकिन ये अच्छे ट्रेंड्स नहीं याद रखिए, ये अच्छे ट्रेंड्स नहीं है। आप ऐसे ट्रेंड्स लागू कीजिए कि आपको जो पॉकेट मनी मिल रहा है स्वैग अपना ऐसा है कि हम सदका करके आते हैं उसको, आते पूरा सदका। अच्छा ट्रेंड सेट कर दिया आपने, हर बच्चा आ रहा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मिल रहे, आते सदका करके घुस रहा अंदर, अपना स्वैग अपन पूरा खर्च कर देते हैं, ये सदका वो सदका, बुक्स वगैरह मत कीजिए, ड्रेस मत कीजिए, जरूरी लगता है आपको रेगुलर, लेकिन आपका आदत होगी खर्च करने की। टिफिन को बांट दे रहे आते हैं, अपना स्वैग है सबको खिला के जाते हैं, चलो सब खा लो डब्बा ही, अपन भूखे रहेंगे आज, ये समझ में आ रहा है, ये अच्छे ट्रेंड से कुछ भी अच्छे ट्रेंड सेट कर रहे हैं, भूखे रह के दूसरों को खिलाना या फिर सुबह ज्यादा खा के आकर बाद में नहीं खाना और दूसरों को खिलाना, अच्छी बात है, कुछ तो भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं हो रहा है, देखिए हर बुराई में ट्रेंड सेट हो रहे हैं, हर बुरी चीज को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अच्छा भी समझ रहे हैं, और सब लोग जब हंसते हैं उस चीज के ऊपर तो वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन अगर हर कोई ऐसा देखने लगे क्या चल रहा है, क्या बोले तुमने अभी, देखिए आदमी डर, नहीं मैं तो ऐसा कुछ और बोल रहा था, समझ रहे, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग जब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो प्लीज फॉर लैंग्वेज कुछ क्या होता है आपका अंदाजा नहीं होता। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता, एक आदमी था उसके अंदर गधी थी, डोंकी, फीमेल डोंकी, और उस पर वो सामान रख के चूड़ियां बेचता था, होते ना बैंगल्स वाले जो होते गांव में, ऐसे होता लोग आते चूड़ी ले लो बोलते लोगों के नाम, तो गधी से जब भी बात करता तो कैसी बात करता था मालूम, आप चलिए, आप आज चल रही नहीं, आप बहुत तकलीफ दे रहे आज मुझे। किसी ने पूछा ये तो तेरी गधी है, इसको तू आपसे क्यों बात करता, तो कहा मेरा पूरा बिजनेस औरतों में है, अगर मैं इसको बुरे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करूंगा तो कभी गलती से उनके सामने निकल जाएगा, पूरा बिजनेस भी खराब होगा, औरतें कितना मारेंगी मेरे को, तो मैं हमेशा अच्छी लैंग्वेज का आदी हूँ, तो इवन डोंकी से भी अच्छी बात कर, समझे ना, तो अच्छी लैंग्वेज हमेशा देखिए आपको फायदा देगी। लेकिन अच्छी लैंग्वेज बोले तो फैज भाई ने मत आपकी बोल के गाली शुरू फिर फैज ने बोले आप अदब अखलाक के दायरे में सब कुछ होना चाहिए, तो जनाब आप तो नहीं बोले आप कहाँ, ये भी मानना नहीं है उसका, तो होता है लोगों का ऐसा मीनिंग ले लेते हैं लोग, आपको समझ वैसा नहीं मीनिंग, अच्छे लैंग्वेज और लैंग्वेज मत यूज कीजिए, उससे आपका कैरेक्टर, आपकी शख्सियत, बहुत सारी चीजें आपकी मिलती है, लोग उसको देखते हैं, अगर लोग बहुत मॉनिटर करते हैं यंग बच्चों को, लोगों को, तो आप नमूना बन जाएंगे कई लोगों के लिए। आप मुसलमान है ना, और जब आप अच्छी बात करेंगे ना तो लोगों को इंप्रेस करेंगे आप, जो ऑलरेडी इस्लाम के बारे में इतनी गलत फहमियां हैं, फिर आप ऐसी हरकत करेंगे तो बोलेंगे हैंस प्रूव, ये देखो इनकी हरकत ही ऐसी है, लेकिन वहां देखेंगे बोलेंगे कैसे अच्छी बच्ची यार, कितनी अच्छी बात करते हैं, इनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, इनके टीचर नहीं देख रहा, इनके पेरेंट्स नहीं है, फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, गाली नहीं देते, अभी सिर्फ लैंग्वेज यूज नहीं करते, कुछ दिया तो रोक देते हैं, ये कैरेक्टर बहरहाल हमारा होना चाहिए। बहरहाल अब आखिरी पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस याद रखिए अब आप अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में काम करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके हक़दार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।